धर्म और संस्कृति की नगरी बनारस आज पानी के प्रकोप से जूझ रही है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद अब बारिश ने काशी को अपने चपेट में ले लिया है और गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा किनारे बसे लोग दहशत में हैं। घाट किनारे बने कई मंदिर गंगा के पानी में डूब गए हैं। पूजा पाठ थम गई है और धार्मिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान अब बदलना पड़ा है। आरती अब कुछ सीढ़ियां ऊपर की ओर हो रही है। घाट किनारे पूजा करने वाले पुरोहित भी अब अपनी चौकियों के स्थल बदल रहे हैं। नाविका के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। देर रात तक वे घाटों पर नाव की निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय पुरोहित दिनेश दुबे बताते हैं कि गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण व्यवस्थाओं में बदलाव हो रहा है। अब चौकियों को नीचे की सीढ़ी से ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है ताकि धार्मिक अनुष्ठान सुचारू रूप से चल सके। बड़ी है, ठीक है, बढ़ रही है मैं, और जो है अभी रफ्तार पकड़ी हुई है, बढ़ रही है। सुबह से डेढ़ सीढ़ी बढ़ चुकी है, कम से कम एक डेढ़ फुट पानी पड़ चुका है। अभी तो गंगा जी ऊपर ये फरस पर जाने की तैयारी में है। ये आगे फरस दिखा दीजिए, इधर फरस पर जाने की तैयारी में है गंगा जी। और भाई गंगा जी बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है, इधर उधर काम वाम करना पड़ता है, अपना चौकी पटरा जो सामान व्यवस्थित है उसको फिर थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है लेकर के, यही सब चल रहा है। किनारे जो मंदिर है उनकी क्या स्थिति है? जो घाटों पर मंदिर जो छोटा छोटा नीचे मंदिर है वो जल में डूब चुका है, बाकी ऊपर बड़े बड़े भी मंदिर सब पड़े हुए हैं। बीते दो दिनों में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा है जिससे जगह जगह शैवाल दिखाई देने लगे हैं। कई घाटों की दर्जनों सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। 80 घाट की सीढ़ियां के नीचे जमीन मिट्टी भी अब पानी में डूब चुकी है। कई घाटों का संपर्क मार्ग भी टूट गया है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 63 मीटर के करीब पहुंच गया है जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। इस संकट की घड़ी में बनारस के लोग एकजुट होकर हालात का सामना कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ की मार झेलते हुए भी वे अपनी धार्मिक आस्था और जीवन शैली को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए बनारस से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।